आप जो ये स्टार्टर देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट फैन का स्टार्टर है, और पहले ये कूलर का जो पंप होता था उसके अंदर आता था, अभी ये टेबल फैन में भी आता है और एग्जॉस्ट फैन में भी आता है। इसमें चार स्लॉट हैं, और आज मैं आपको इसकी वाइंडिंग कैसे होती है ये बताऊंगा। इसमें टोटल चार क्वाले डलेंगी, रनिंग और स्टार्टिंग का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है। मैंने चार क्वाले बना ली हैं फर्मे के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने चार क्वाले बनाई हुई हैं जो कि मैं इसके अंदर डालूँगा। ये जो आप चार क्वाले देख रहे हैं, ये इसके अंदर डलेंगी। इसकी जो गोलाई है ये 22 इंच की है, और इसमें जो वायर गेज है, इसमें अगर आप कॉपर लगाते हो तो 32 नंबर कॉपर लगाना, आपको 200 ग्राम वेट होगा। अगर आप एलुमिनियम लगाते हो तो इसमें 31 नंबर एलुमिनियम आपको लगाना पड़ेगा। 150 टन है, जिसके चार राउंड डलेंगे इस स्टार्टर में। ठीक है, अभी मैं आपको इसको डालकर दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉयल को ले लिया है, और इस साइड में ही मैं कनेक्शन को निकालूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसको डाल देना है, इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है ऐसे। ठीक है, और ये इस साइड में ये सिरा निकल गया इसका राइट हैंड की तरफ, और इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। ठीक है, अब जो सिरे निकले हैं वो, एक तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ निकला है, यह वायर जो कि इस कॉइल से कनेक्ट है, और ये राइट हैंड की तरफ एक वायर निकला, एक सिरा। ठीक है, अब इसको क्या करना कि अब ये एक तो डल गया इसके अंदर, इस तरह चार राउंड डालने हैं इसके अंदर। अब इसको ऐसे घुमाकर इसके अंदर इसको ऐसे डाल देना है, ऐसे इसी स्लॉट के अंदर ऐसे चार राउंड डालने हैं। अब ऊपर वाली के अंदर डाल देता हूँ ऐसे इस कॉइल को। ठीक है, ये दो दो राउंड हो गए हैं, अब इसको फिर ऐसे घुमा देना है। ये अब तीसरा राउंड मैं डालने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ऊपर वाली में भी डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये तीन डल चुके हैं इसके अंदर, अब ये लास्ट का बच गया, ये इसको भी ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमाकर फिर इसके अंदर ऐसे डाल देना है, ऐसे इस तरह से इसके अंदर चार राउंड डालने हैं। अब ये पहली कॉइल डल चुकी है, अभी तीन कॉइल और बाकी हैं, और इसके सिरे आपको दोबारा दिखा देता हूँ कैसे निकले हैं। ये सिरा निकला इसका राइट हैंड की तरफ, और ये सिरा निकला लेफ्ट हैंड की तरफ। ये लेफ्ट हैंड वाला सिरा इन कॉइलों से जॉइंट है, इन कॉइलों से। ठीक है, अब मैं पहली कॉइल तो डल गई है, अभी दूसरी कॉइल आपको डाल कर दिखा देता हूँ। अभी इसके अंदर पेपर नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर कॉइल आएंगी इसीलिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटर तो होता नहीं, लेकिन ये जो आप पत्ती देख रहे हैं यही कैपेसिटर का काम करती है। अगर आप इस साइड में इन वायरों को, इन सिरों को निकालते हो, इस साइड में कनेक्शन करते हो, तो इस पत्ती को नीचे की तरफ रखना है, तभी आपके चक्कर सीधे होंगे। अगर आप बैक साइड में, यानी कि इस साइड में कनेक्शन करोगे, तो आपको पत्ती ऊपर की तरफ रखनी पड़ेगी। अब आपको दूसरी कॉइल डालकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो सिरा है लेफ्ट एंड की तरफ, ये सिरा इस साइड में आएगा। ठीक है, जैसे मैं इस कॉइल को ऐसे डालता हूँ ऐसे, तो इसके अंदर ऐसे डालना है। ऐसे डालोगे तो फिर ये जो सिरा है जो कि इस कॉइल से कनेक्ट है, ये घूमकर इस स्लॉट के अंदर आएगा। ठीक है, ये यहाँ से घूमकर इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिरा घूमकर इस साइड में आ गया, और इस साइड में जो ये सिरा है,
लेफ्ट हैंड की तरफ, ऊपर की तरफ, यह है इस कॉइल से कनेक्ट है, इस कॉइल से ज्वाइंट है, ठीक है। ये सभी कॉइलें एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, एक ही वायर से मैंने इन कॉइलों को बनाया है। चार कॉइलें डलेंगी इसमें, रनिंग स्टार्टिंग का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ रनिंग रनिंग है। स्टार्टिंग ये पत्ती काम करती है, स्टार्टिंग का कैपेसिटर का काम। इसको ऐसे खींच लेता हूँ, इसमें भी चार राउंड डालने हैं इसके। अभी एक राउंड डल गया इसका, इसको खींच लेना है ऐसे कॉइल को, पूरा पूरा खींच कर फिर डालना है ऐसे इसको। अभी ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा कर ये दूसरा राउंड इसके अंदर डालना है। ये ऊपर की तरफ भी डाल देता हूँ मैं ऐसे। ये इसके अंदर दो राउंड हो गए, इसको अच्छी तरह टाइट करके खींच देना है पूरा, ताकि चार राउंड आ जाएं, ठीक है। अभी दो राउंड आ गए, अभी इसको फिर घुमा देना है ऐसे, ऐसे घुमाकर फिर इसके अंदर ऐसे डाल देना है। ये तीसरा राउंड है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो कॉइल बच गई है लंबी, ये अब लास्ट राउंड है इसका, इसीलिए इसको ऐसे पूरा खींच कर इसको ऐसे घुमा देते हैं, ताकि ये छोटी ना रहे। छोटी रहती है तो आप इसको खींच सकते हो टाइट। अब इसको ऐसे घुमाकर इसके अंदर डाल देना, ये लास्ट का राउंड है, चार राउंड इसके अंदर डलेंगे। अब इसको भी मैं डाल देता हूँ इधर, लास्ट का राउंड, चौथा राउंड, अभी अभी डल जाएगा। ये एक साइड से डल गया ऊपर की तरफ से, ये कंप्लीट हो चुका ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर ये जो मैंने पेपर काट के रखे हैं, वाइट पेपर है जो, ये इसके अंदर ऐसे लगा देते हैं। ये ऊपर मैंने पेपर लगा दिया क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, और इस साइड में अभी डला नहीं है, इसको मैं भी डाल देता हूँ। इस साइड में अभी पेपर नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर कॉयल आएगी, ठीक है। ये चार राउंड इसके अंदर आ गए हैं इस कॉयल के, ठीक है। अभी दो कॉयल डल चुकी है, अब तीसरी और चौथी दो कॉयल बच गई है, उसको भी मैं डाल कर दिखा देता हूँ। और ये जो सेकंड कॉयल, दूसरी कॉयल डली थी, तो इसका ये सिरा निकला था राइट हैंड की तरफ, जो कि इस कॉइल से कनेक्ट है। अब मैं तीसरी कॉइल ले लेता हूँ, और ये जो सिरा है ये इस कॉइल के अंदर आएगा, इधर इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। ये सिरा यहाँ से निकला और इसके अंदर जाएगा। अब देखो मैं इसको इसके अंदर ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे डालने के बाद ये सिरा आ गया इस साइड में, ठीक है। इसके अंदर भी चार राउंड डालने हैं, ठीक है। ये साइड में मैंने इसको डाल दिया एक साइड में, और इस साइड में भी इसको डाल देना है ऐसे। इसको खींच कर पूरा खींच देना है, ताकि चार राउंड आराम से आ जाएं। और ये जो सिरा निकला है इस साइड में, ये लेफ्ट हैंड की तरफ, ये इस कॉइल से कनेक्ट है, लास्ट वाली कॉइल से, ठीक है। ये राइट हैंड का सिरा है जो कि इस साइड में है, और लेफ्ट वाला सिरा, ये जो सिरा है, ये इस कॉइल से कनेक्ट है, ठीक है, ओके। अब ये एक राउंड डल गया, अभी मैं इसको घुमाकर दूसरा राउंड भी इसके अंदर ऐसे डाल देता हूँ। इसको टाइट खींच के डालना है, ताकि चार राउंड इसके अंदर आ जाएं। आप ढीला ढीला डालोगे तो फिर चार राउंड इसमें डलेंगे नहीं, तीन तो आसानी से डल जाएंगे, फिर चौथा आपको कॉइल छोटी लगेगी आपको, इसलिए इसको शुरू से ही टाइट रखना है। इसको ऐसे डालने के बाद पूरा टाइट कर देना है, ऐसे खींच देना पूरा, यहाँ तक मिला देना इसको। अब ये दो राउंड डल गए, अभी ये तीसरा मैं ऐसे घुमाकर कॉइल को इसके अंदर डाल देता हूँ।
ऐसे चार राउंड डलेंगे, ये तीसरा राउंड अभी डल रहा है। ये तीसरा राउंड भी डल गया है, ठीक है। अब ये पूरा टाइट कर देना इसको खींच के। अब ये इस कॉइल को ऐसे घुमा देना है, ऐसे चौथा राउंड को। ये अब इसके अंदर इसको डाल देना। ये अभी चार राउंड कंप्लीट हो जाएंगे इधर डालने के बाद। मैं ऊपर वाली में डाल देता हूँ इसको, ऊपर वाली स्लॉट में। ये ऊपर वाली स्लॉट में डल गया है। अभी इसमें पेपर लगा देता हूँ। ये कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसमें लगा दिया है पेपर। इसको कॉइल को ऐसे खींच कर फिर इसके अंदर इसको डाल देना है। चौथा राउंड, तीन राउंड डल गए, ये भी चौथा डल रहा है। ये डलने के बाद इसमें पेपर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें कॉइल आएगी, इसीलिए आराम से डालना है। ये जो वायर है, वाइंडिंग वायर, ये छिलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये डल गया है। इसका जो ये सिरा निकला है, ये सिरा इस कॉइल से कनेक्ट है लेफ्ट हैंड की तरफ का, और राइट हैंड का सिरा ये है जो कि इस कॉइल के इस साइड में गया हुआ है। ये राइट हैंड का सिरा है, ठीक है। ये तीन डल गई हैं कॉइल। अभी मैं चौथी कॉइल भी डाल देता हूँ इसके अंदर। इस कॉइल को ले लेता हूँ। ये जो सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ निकला है, ये लेफ्ट हैंड का सिरा जो कि वो घूमकर इस साइड में आएगा, यानी कि ऐसे लेफ्ट हैंड का सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ ही आएगा। ये जो लेफ्ट हैंड का सिरा है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा इस साइड में, ठीक है। इस कॉइल को ऐसे पीछे भी डाल देता हूँ इसके स्टार्टर के। और ये लेफ्ट हैंड का सिरा फिर बता देता हमको, लेफ्ट हैंड का सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। और ये राइट हैंड का सिरा जो कि बच गया अभी, ये बाहर कनेक्शन के लिए आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको डाल कर दिखा देता हूँ आपको, चौथी कॉइल को। इसके अंदर एक राउंड डालना है, अभी तो एक राउंड डाल रहा हूँ, इसमें चार राउंड डालने हैं। अभी इस साइड से भी मैं इसको डाल देता हूँ। अब कॉइल को खींच लेना, कॉइल को खींच कर अच्छी तरह टाइट करके डालना है ताकि इसके अंदर चार राउंड आ जाएं। ढीला ढीला डालोगे तो फिर चार राउंड नहीं आएंगे, तीन ही राउंड आएंगे। अभी ये पहला राउंड डल गया है। ये जो सिरा आप देख रहे हैं, ये इस कॉइल का लेफ्ट हैंड का सिरा इस साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ आया है, और राइट हैंड का सिरा ये है जो कि अभी किसी कॉइल से कनेक्ट नहीं है क्योंकि अभी सभी कॉइलें पूरी हो चुकी हैं, डल चुकी हैं। अभी ये एक राउंड डल गया है, अभी एक राउंड और, अभी तीन राउंड और डालने हैं। ये मैं दूसरा राउंड डाल देता हूँ इसके अंदर। अभी ऊपर वाली साइड से भी डाल देता हूँ। अभी इसको टाइट करके डालना है तभी आपके चार राउंड पूरे होंगे। अभी ये दो राउंड हो गए हैं, अभी ये तीसरा राउंड ऐसे घुमाकर कॉइल डाल देता हूँ। अभी ऊपर वाली साइड से भी डाल देता हूँ इसको। अभी तीन राउंड डल गए हैं, ठीक है। कॉइल को अच्छी तरह खींच देना पूरा। कॉइल बच गई लास्ट की लंबी, इसको ऐसे घुमा देना है ताकि राउंड है इसके अंदर डाल दें।
अब इसके अंदर स्टार्टर के अंदर ऐसे डालना है, और अब दोनों साइड से इस कॉइल को डाल देना है ऐसे, थोड़ा थोड़ा करके आप वायर डाल सकते हो, ठीक है, आपको टाइट महसूस हो तो, या फिर ऐसे लकड़ी की जो फनचट बनाई हुई है बांस की, इसकी सहायता से भी ऐसे इसको ऐसे घुमा कर इसके अंदर करके ऐसे डाल सकते हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा वायर को करके, थोड़ी थोड़ी वायर लेके आप इस फनचट की सहायता से बांस की या लकड़ी की या प्लास्टिक की भी आप बना सकते हो, ऐसे डाल सकते हो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। ये इधर एक साइड से अभी डल गई है कोयल, इसके ऊपर मैं पेपर लगा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा इसलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ये इस साइड से डल गई है ऊपर वाली साइड से कोयल, इधर मैं पेपर लगा देता हूँ इसके अंदर, पीवीसी पेपर, आप सीट भी लगा सकते हो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक साइड से डल गई है चौथा राउंड, और ये इस साइड से रह गया है, जिसको भी मैं ऐसे खींच कर कोयल को ऐसे डाल देता हूँ। आप एक एक दो दो वायर करके भी डाल सकते हो, या फिर ऐसे लकड़ी की जो बनाई हुई है आपने उसकी सहायता से आप ऐसे डाल सकते हो ऐसे। आपको ऐसे कोई पेचकस वगैरह नहीं लेना है जिससे आप इसको खींचो, पेचकस से फिर ख़राब हो जाती है कोयल, इंसुलेशन जो होता है वो अट जाता है, ठीक है। ये कोयल ऊपर वाली साइड से डल गई है, इसके अंदर अभी मैं पेपर लगा देता हूँ। ये पेपर लग चुका है और सभी चार कॉयलें डल चुकी हैं, ठीक है। इसके जो सिरे निकले हैं, ये जो कॉयल है पहली, जो हमने पहली डाली थी, इसका ये सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ है, और जो लास्ट वाली कॉयल डली थी इसका सिरा राइट हैंड की तरफ है, ठीक है। ये दोनों सिरे निकले हैं जिनके साथ कनेक्शन होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इन सभी चार कॉयलों को यहाँ से धागे से बांध दिया है, सिर्फ इतना ही काफ़ी है इसके अंदर कि आप एक ही साइड से इसको बांध सकते हो धागे से, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ये चार ऐसे पेपर के टुकड़े काट लेने लंबे, जो कि इन कॉयलों से लंबे हो, और इनके बीच में ऐसे लगा देना है इनको ऐसे सेपरेटर के रूप में, ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, ऐसे बीच में इसके लगा देना है कॉयलों के, सभी कॉयलों के बीच में ऐसे लगा देना है पीवीसी पेपर का टुकड़ा जो कि कॉयल से लंबा हो, ठीक है। इस साइड से भी और इस साइड से भी, देखो इतने लंबे होने चाहिए कि कॉयल से ऊपर रहें, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। ये जो सिरा इसका राइट हैंड की तरफ, सिर्फ दो ही सिरे निकलेंगे, ये लेफ्ट हैंड की तरफ, ये पहली कॉइल का, ये लास्ट वाली कॉइल का, ठीक है। अभी इन दोनों सिरों को साफ कर लेना, इनके ऊपर जो इंसुलेशन लगा है, ठीक है, और इनके ऊपर दो वायर लगा देने हैं, किसी भी कलर के लगाएं आपकी मर्जी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इस तार के ऊपर लगा इंसुलेशन जला देना है ऐसे, चाहे तो आप ब्लेड से इसको साफ कर सकते हो, अभी इसको रेगमार से साफ कर देना है। और ये जो दो वायर हैं, किसी भी कलर का आप ले हो, आपकी मर्जी है, अब एक वायर इसके ऊपर लगा देना है, और एक वायर इसके ऊपर लगा देना है,
ये दो वायर लग गए हैं इसके ऊपर जो कि पावर सप्लाई में देने हैं। अभी इनके ऊपर स्लीव लगा देता हूँ। इन दोनों वायरों को इधर लगाने से पहले ये पेपर इसके बीच में लगा देना स्लीव के नीचे, और इसको ऐसे ऐसे इसको बांध देना है यहाँ पे। ये जम्पर कनेक्शन आपने स्लीव के नीचे पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इधर इसको बांध देना है और यहाँ से भी इनको अलग और इधर से बांध देना है, ठीक है। दोस्तों इसकी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं दो वायर इसके निकाल चुका हूँ जो कि पावर सप्लाई में लगेंगे। इसमें चार कॉइलें डली हुई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये दोनों तरफ से इस पे मैंने धागा भी लगा दिया है। और ये एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, इसके अंदर वार्निश नहीं डालनी है।